नमस्कार दोस्तों, प्लान पेरेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। मैं दीपा और आज मैं फिर से लेके आई हूँ एक और नई प्लान वीडियो आप सबके सामने। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये वाली प्लांट फ्लावरिंग जो हुई हुई है वो आप चेक कीजिए। पहले बहुत ही प्यारी इनकी फ्लावरिंग हो रही है। ये मंडेविला का प्लांट है, इसे रॉकेट ट्रम्पेट भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये वाली कलर बहुत ही प्यारी इसमें खिलना स्टार्ट हो गया है। अभी ये इनका सीजन है और अभी मुझे फ्लावरिंग इसमें से स्टार्ट हो रही है ब्लूमिंग करना इस प्लांट की। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है पीस लिली के ऊपर। और ये कुछ पीस लिलीज मेरे पास पड़ी हुई है। ये तीन प्लांट है पीस लिली की जो मेरे पास है और अभी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी मई का महीना चल रहा है दोस्तों और ये इनका एक फ्लावरिंग सीजन है। बहुत ही खूबसूरत इनमें फ्लावर्स आनी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं। ये चेक कीजिए दोस्तों, ये व्हाइट कलर की बहुत ही प्यारी फ्लावर इनमें से आती है। और ये जो आप देख सकते हैं ये स्पेडिक्स है और स्पेडिक्स के आसपास ये जो व्हाइट कलर की या थोड़ी सी ग्रीनिश भी होती है इनकी जो कलर है, ये इनके स्पेथ है और यही इनका फ्लावर है दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये एक हाउस प्लांट है और नासा के अकॉर्डिंग 10 ऐसे प्लांट्स में से एक है जो हमारी घर की जो टॉक्सिन्स है उसे रिमूव करने में ये प्लांट मदद करती है। और ये प्लांट और ये बहुत सारे टॉक्सिन्स जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, एमोनिया जैसे जो घर में रहती है, जैसे जो फर्नीचर वगैरह में, कलर वगैरह में होती है, तो वैसे वाली टॉक्सिन्स को ये घर से रिमूव कर देती है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये हाउस प्लांट्स है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अगर इसकी पॉट साइज की, तो आप चेक कीजिए। मैंने दो पॉट इसमें छोटे पॉट में लगाई हुई है और ये मैंने बड़ी पॉट में लगाई हुई है एक, और ये दो छोटे कंटेनर्स में मैंने लगाई हुई है। तो ये पॉट साइज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत में आप पीस लिली के लिए आप छोटा पॉट का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ती जाएगी तब आप बड़े से पॉट का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली प्लांट को मैंने रूट डिवीजन मेथड से ग्रो किया था और ये काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रही है इनकी। इनमें फ्लावर्स भी आना अभी स्टार्ट हो गया है। एक फ्लावर इसमें ये स्टार्टिंग की फ्लावरिंग हुई है मुझे इसी सीजन को। इनकी फ्लावर दोस्तों ये लंबी सी स्टॉक जाके इसकी इस तरह फ्लावरिंग होती है, बहुत प्यारी लगती है। और देखिए दोस्तों, ये अभी काफ़ी हेल्दी ग्रो हो रही है इनकी, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये डिवाइड भी हो चुकी है, ये बहुत जल्दी बढ़ जाती है ये प्लांट्स। अगर छोटे से गमले में आप लगाना स्टार्ट करते हैं तो ये आपके पॉट को बहुत जल्दी फुल कर देती है। आप देख सकते हैं ये मैंने एक ही रूट डिविजन मेथड से एक ही मैंने यहाँ पर लगाई थी और ये अभी तीन प्लांट्स में डिवाइड हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरफ ये एक, दो और ये तीन, इनमें तीन प्लांट्स अभी है दोस्तों। पीस लिली की एक और खासियत है, इनकी जो लीव्स है वो बहुत ही शाइनी होती है, बहुत ही प्यारी लगती है। अगर इनमें फ्लावर्स नहीं भी आते तो भी इनके जो फॉलिएज है, इनके जो लीव्स है, वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी होती है इनकी लीव्स भी। और देखिए यहाँ पे भी एक फ्लावर आई हुई थी जो क्लीनिंग करते समय मेरे हाथ से टूट गई है इनकी जो स्टॉक, तो ये इस तरह से इनमें एक स्टॉक अभी बाकी है। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आपको पीस लिली में ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी और जिससे आपकी पीस लिली बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो किस तरह से लेनी है। इनकी जो सॉइल कंपोजिशन है दोस्तों वो हमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल का, एक हिस्सा खाद का और एक हिस्सा रिवर सैंड का मिला के हम इसकी जो सॉइल कंपोजिशन है वो रेडी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी का कंपोजिशन जो है दोस्तों आप देख सकते हैं, ये भुरभुरी मिट्टी है और वेल ड्रेनिंग मिट्टी है और ऐसे वाली मिट्टी में ही ये पीस लिली बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है। और अभी दोस्तों वाटरिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस प्लांट को अंडर वाटरिंग तो पसंद है बट ओवर वाटरिंग इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बहुत सारे लोग की शिकायत होती है कि इनकी पीस लिली जो है येल्लोइश हो जाती है, इनकी पीस लिली बहुत जल्दी मर जाती है नर्सरी से घर लाने के बाद।
तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन ये है दोस्तों कि इसमें ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी है, ये प्लांट अंडर वाटरिंग बर्दाश्त कर लेगा। अगर आप इसमें पानी ना भी दो तो कुछ दिनों तक ये इस तरह ही चल जाती है। हालांकि इनकी लीव्स वगैरह है जो वो गिर जाती है, वो झुक जाती है नीचे, बट ये ओवर वाटरिंग से जितना नुकसान इस प्लांट को होता है, अंडर वाटरिंग से उतना नुकसान नहीं होता है। तो इस प्लांट को आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप पानी दें, इसकी टॉप लेयर की 1 इंच की सॉइल को आप चेक कीजिए, और अगर 1 इंच की टॉप लेयर सूखी हुई हो तभी आप इसमें पानी दें, वरना आप इसमें पानी ना ही दें। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इस प्लांट को हमें किस तरह से प्रोपगेट करनी है। तो ये इसकी जो प्रोपगेशन है वो दो मेथड से होती है दोस्तों। एक तो ये बीज से हो जाती है, बट बीज से जो प्रोपगेशन है वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस होती है, बहुत टाइम लगता है और इनका सक्सेस रेट भी उतना नहीं है दोस्तों। तो और एक मेथड है इसकी प्रोपगेशन का जो बहुत ही कॉमन है, वो है रूट डिविजन मेथड का। इस प्लांट को हम रूट से डिवाइड कर सकते हैं और रूट डिवीजन मेथड से इनकी जो सक्सेस रेट है वो 100% होती है। तो इस तरह से आप इस प्लांट की प्रोपगेशन कर सकते हैं। इस प्लांट को प्रोपगेशन करने का सही महीना होता है फेब्रुअरी मार्च, या तो बारिश का जो महीना अभी चल रहा है वैसे वाले टाइम में हम इस प्लांट को रिपोर्टिंग कर सकते हैं या हम प्रोपगेट कर सकते हैं। यूँ तो ये प्लांट दोस्तों पेरिनियल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इसकी फॉलिएज हमेशा ही रहती है, बट इनमें जो फ्लावरिंग हमें सिर्फ मार्च अप्रैल मई से स्टार्ट होके लगभग कह लीजिए ये समर सीजन में फ्लावरिंग होती है इनकी। बाकी फॉलिएज इनके 12 महीने रहते हैं फॉलिएज। दोस्तों अगर इनकी सनलाइट की नीड की हम बात करें तो इस प्लांट को बहुत ही कम सनलाइट चाहिए होती है, जिस वजह से ये हाउस प्लांट्स भी है और इसे हम घर के अंदर रूम के अंदर भी रख सकते हैं। इस प्लांट को डायरेक्ट हीट से बचाना है या डायरेक्ट सनलाइट से इस प्लांट को बचाना है, इस प्लांट को बस इनडायरेक्ट सनलाइट काफ़ी होती है। डायरेक्ट सनलाइट से इस प्लांट को काफ़ी नुकसान हो सकती है, इनकी लीव्स येलोइश हो सकती है और ये प्लांट मर सकती है। तो आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस ना कीजिए, आप इस प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट दे या लो लाइट दे। अगर आप घर में रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, तो इसे आप खिड़की के सामने बैल्कनी वगैरह में रख सकते हैं, और अगर आप बाहर रखते हैं तो ऐसे वाले जगह में रखिए जिसमें सवेरे वाली 1-2 घंटे की धूप मैक्सिमम इस प्लांट को लगे, बाकी ये प्लांट जो है शेडी एरियाज में ही रहे पूरे दिन भर में। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। तो इस प्लांट को फर्टिलाइजर तो चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए। तो इस प्लांट में अगर आप केमिकल वाले फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आप एनपीके 19:19:19 रेशियो वाली फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं, और अगर आप वैसी वाली फर्टिलाइजर केमिकल वाली यूज नहीं करना चाहते तो आप होममेड फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ होममेड फर्टिलाइजर का यूज। इस प्लांट को नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फरस की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है। तो हम होममेड जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, जैसे काउडंग कंपोस्ट की हो गई, या फिर जो मैंने रेडी करके रखी हुई है ये बनाना पील की लिक्विड फर्टिलाइजर, ये वाली भी बहुत ही इफेक्टिव फर्टिलाइजर होती है जो घर में हम बना सकते हैं। बस जो बनाना के पील से इन्हें हमें पानी में भिगो के रखनी होती है 24 आवर्स के लिए, उसके बाद हम इसके इस ये जो पील है उसे स्ट्रेन करके हम इसकी जो पानी है उसे हम लगा सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है दोस्तों, इसकी ऊपर मैंने पूरी वीडियो दी हुई है, आप चाहे तो मेरे लिंक में इसे चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी दोस्तों। दोस्तों इस प्रोसेस को हम हर 15 दिन के बाद रिपीट करेंगे, तब हम देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई हुई है। और दोस्तों एक और पीस लिली की सीक्रेट ये है भी है दोस्तों कि अगर हम इसे ज़्यादा लो लाइट में रख देंगे या जीरो लाइट कह लीजिए उसमें रख देंगे तो भी इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि पीस लिली को नर्सरी में तो फ्लावरिंग हो रही थी जब हमने इस प्लांट को खरीदा था, बट हम जब घर में लाते तो देखते कि इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है। तो दोस्तों इस प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए होती है, जैसे कि जीरो लाइट में भी ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं देगी। हालांकि इनमें फॉलिएज ही फॉलिएज बनेगी और इनमें फ्लावरिंग तभी होती है जब हम इसे थोड़ा सा लाइट में रख देते हैं, थोड़ी सी धूप दिखा देते हैं इनडायरेक्ट वाली, तभी इसमें फ्लावरिंग होगी।
और दोस्तों पीस लिली की एक और बात ये है कि इस प्लांट को बहुत ही ह्यूमिडिटी पसंद है। जैसे कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े जंगलों में बहुत बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ये प्लांट ग्रो होती है, तो इस प्लांट को बहुत ही ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होती है। तो जब भी हम इस प्लांट को लगाए तो इनके आसपास कुछ और प्लांट्स भी लगाए और इन्हें बहुत सारे प्लांट्स के साथ रख दे ताकि इस प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ ह्यूमिडिटी मिलती रहे। दोस्तों इन्फेस्टेशन की बात अगर हम करें तो इस प्लांट में उतनी इन्फेस्टेशन नहीं होती है। कभी कभी इनके जो लीव्स है उनमें एफाइट्स वगैरह या फिर उनके लीव्स के जो पीछे वाली साइड में एफाइट्स वगैरह लग जाती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर एफाइट्स वगैरह की अटैक हो जाती है तो आप बस नीम ऑयल का स्प्रे कर दे, तो इससे इनकी लीव्स जो है वो भी शाइनी होगी और आपके एफाइट्स वगैरह भी चली जाएंगी। दोस्तों पीस लिली की जो लीव्स है दोस्तों, इसे आप टाइम टू टाइम कुछ भी कॉटन के कपड़े से आप साफ करते रहिए ताकि इस प्लांट को खाना बनाने में इजी हो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इस प्लांट को इजी हो। इसीलिए आप इस प्लांट की जो लीव्स है उन्हें साफ रखिए, ग्रीन रखिए दोस्तों। तो ये बहुत ही प्यारी एक हाउस प्लांट है, नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है, तो आप देर ना कीजिए, इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए दोस्तों। तो आज की मेरी वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।